नमस्कार मैं राजीव चौधरी 28 नवंबर साल 2014 सोनीपत के एक गांव की रहने वाली दो बहनें हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र कर रही थी बस जैसे ही बलोट गांव के पास पहुंची तो दोनों बहनों ने तीन युवकों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया आरोप था कि युवकों ने उनके साथ बदसलूकी की है पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ और उन दोनों बहनों को बहादुर बहनों का नाम दे दिया गया मीडिया दोनों बहनों को लक्ष्मी बाई कोई दुर्गा कोई काली का अवतार बताने लगी मीडिया के इस प्रचंड ट्रायल पर पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया मामला देश दुनिया तक जा पहुंचा हर एक चैनल दोनों बहनों का इंटरव्यू करने को बेताब था उनके गांव में मीडिया का जमावड़ा था ठीक ऐसे ही जैसे आजकल ग्रेटर नोएडा के गांव में सचिन सीमा को लेकर है यही हाल उन दिनों हरियाणा में था बात हरियाणा सरकार तक जा पहुंची तो सरकार ने दोनों बहनों को 15 अगस्त पर सम्मानित करने तक की घोषणा कर दी पकड़े गए तीनों आरोपी युवक शुरू से ही आरोपों को खारिज कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि वो सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे थे छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं था लेकिन मीडिया के प्रचंड ट्रायल के आगे उनकी एक न चली और पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया बाद में इस मामले में एक एस का गठन हुआ और बस में सवार करीब 40 लोगों के बयान लिए गए चालीस बयानों में एक बात कॉमन थी कि मामला छेड़छाड़ का नहीं था सीट को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था तीन साल जांच चली मुकदमा चला अंत में चार मार्च 2017 में एसजीएम हरीश गोयल की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया लेकिन तब तक तीनों युवकों का जीवन बर्बाद हो चुका था उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु भाई के बहल की कोर्ट में अपील दायर की और अपील में कहा कि दोनों बहनों ने कानून का गलत फ़ायदा उठाया था इससे समाज में गलत मैसेज गया है इस प्रकरण के बाद हकीकत में जो लड़की पीड़ित होगी उस पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे इसलिए दोनों बहनों पर कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई पता नहीं हुई या नहीं हुई लेकिन ये किस्सा सुनकर आप सोच रहे होंगे कि नौ साल पुराने किस्से का जिक्र आज क्यों दरअसल ये एक उदाहरण है भारत की गैरजिम्मेदार मीडिया के एक बड़े का जिनकी खबरें नकलची बंदरों की कहानी जैसी होती है अगर एक चैनल का संवाददाता पानी में उतरकर रिपोर्ट दे रहा है तो अगले दिन सभी चैनलों के संवाददाता पानी में कूद रहे होते हैं भले ही आसपास सूखा पड़ा हो मीडिया के इस ट्रायल में खबर नहीं होती खबरों के नाम पर एजेंडा होता है इस कारण मीडिया और सोशल मीडिया इक्कीसवीं सदी का ऐसा वैज्ञानिक हथियार बन चुका है जो गुमनाम शख्स को पल भर में हीरो बना देता है या कहो मीडिया वो वरदान बन चुका है जो पल भर में किसी शख्स को विलेन से हीरो और हीरो को विलेन बना देता है ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है बाद में मीडिया तो चुपके से निकल जाता है लेकिन कहानी के पीछे रह जाते हैं दर्द आंसू बेबसी और पछतावा अभी हाल ही में आपने देखा होगा सचिन मीणा सीमा की मीडियाई लव स्टोरी देख कर ऐसा लगा मानो लैला मजनू रोमियो जूलियट श्री फराद के बाद नोएडा में सचिन मीणा के साथ सीमा की कहानी इन सब से ऊपर हो इतना भयंकर ट्रायल चल रहा है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों तक की खबर आने लगी जहां सीमा हैदर के भारत में घुसने को लेकर सवाल उठाने थे वहां सीमा हैदर के नृत्य के डांस के वीडियो दिखाई जा रहे हैं अचानक सीमा हैदर का मामला उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यू पी के पास पहुंच गया पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा तक सफ़र करने वाली सीमा हैदर के मसले में कई चीज़ों के खुलासे होने अभी बाकी है जब सादी वर्दी में सीमा हैदर को एटीएस वाले कल अपने साथ ले गए तो सवाल बना क्या मीडिया ने एक बार फिर वही किया जो साल 2014 में सोनीपत वाली बस वाली लड़कियों को हीरो बना जाना है या सालों पहले निशा शर्मा केस इन दोनों में अपराधी को ही हीरो बनाया गया था फ़िलहाल सोशल मीडिया पर निशा शर्मा केस की गूंज है जो सीमा के केस से जोड़कर देखी जा रही है दरअसल साल 2003 निशा शर्मा नाम की एक इक्कीस साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की छात्रा थी दूसरी ओर था मुनीश दलाल जो 25 साल का था एक इंजीनियर था और एक स्थानीय कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षक था निशा के लिए एक सुयोग्य की तलाश थी उसके माता पिता ने एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन दे दिया इस विज्ञापन पर मुनीस की मां की नजर गई उसने संपर्क साधा और एक दूसरे से मिलने और जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद दोनों परिवारों ने फैसला किया कि मुनीस और निशा एक दूसरे के अनुकूल है और इस बात पर सहमत हुए कि उनकी शादी कर दी जाए निशा और मुनीस की विधिवत सगाई हुई और शादी का मुहूर्त निकला ग्यारह मार्च साल दो तय हुआ शादी नोएडा में होगी जहाँ निशा का परिवार रहता था तय समय पर मुनीश बरात लेकर नोएडा पहुंचा। लेकिन जब बरात स्वागत स्थल पर पहुंची तो मुनीश की मां ने निशा के पिता से 12 लाख नगद और एक मारुति स्टीम कार की मांग की तो निशा के पिता देवदत्त शर्मा ने इन मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताई जिस पर मुनीष परिवार ने गाली गलोच शुरू कर दी मामला हाथापाई पर आ गया मुनिष की माँ ने निशा की मां को थप्पड़ मार दिया मुनीष की बहन ने उन पर थूक दिया ये सुनते ही निशा ने पुलिस बुला ली ये सब एफ में दर्ज हुआ था यानी ये निशा का पक्ष था बारात को वापस भेज दिया गया दूल्हा मनीष दूल्हे की माँ विद्या उसके परिवार के कई सदस्यों को अगले दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया मामला इतना हाईलाइट था कि मुनीस पर डासना जेल में अन्य दूसरे कैदियों ने उसे लालची दूल्हा कहकर उस पर हमला तक कर डाला कहानी क्या थी पूरा किस्सा क्या था इसमें क्या सवाल थे ये सब बिना जाने समझे देश की मीडिया ने निशा को रातों रात स्टार बना दिया खबर बनी दहेज के मुंह पर निशा का तमाचा निशा बनी दहेज विरोधी लड़कियों के लिए आइकन निशा ने दी दहेज को पटकनी मीडिया में निशा के धड़ाधड़ इंटरव्यू चालू थे अखबार के पहले से आखिरी पन्नों तक निशा ही निशा थी खबर ऐसी चली कि हर लड़की निशा बनना चाहने लगी निशा शर्मा को देश भर से विवाह के प्रस्ताव मिलने लगे एक राजनीतिक दल ने तो उसे स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित तक कर दिया द न्यूयॉर्क टाइम्स में जेम्स बुक ने इस खबर पर विस्तार से एक आर्टिकल छापा तो क्रिस्टियन अमनपोर ने इस पर एक घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बना दी जिसमें भारत की दहेज प्रथा दहेज विरोधी कानून दुल्हन को आग में जलाने से लेकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषय उठाए अमूल ने तो अपने विज्ञापन में निशा को अमूल बटर गरल की उपाधि दे दी तो महिला अधिकार कार्यकर्ता ज्योत्सना चटर्जी ने कहा कि एक इस विरोध प्रदर्शन ने अन्य महिलाओं को भी आगे आने का साहस दिया बहरहाल 19 नवंबर 2003 को निशा ने नोएडा में एक छोटे से समारोह में केवल पिछहत्तर मेहमानों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर अश्वनी शर्मा से शादी की लेकिन मामला यहां नहीं रुका जनवरी 2004 में निशा उनके पति और उनके भाई को यूएसए में ओपरा बिनफ्रेनेक टॉक शो में आमंत्रित किया नाम दिया दहेज के मुद्दे को अंधकार युग से बाहर करने वाली निशा गजब तो तब हुआ जब साल 2004 में मामला कोर्ट में विचाराधीन था लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र के राज्य शिक्षा का अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा छः के लिए अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय के रूप में निशा के मामले को शामिल किया गया जिसका शीर्षक था दहेज की मांग पर जेल में आदमी मुनीस उसकी माँ जेल में थे मुनीस की माँ एक सरकारी कर्मचारी थी उसकी नौकरी चली गई परिवार का कोई सहारा नहीं था लेकिन फिर किस्से की परत उघड़ने लगी सच सामने आने लगा दरअसल जिस दिन मुनीस बारात लेकर गया तो विवाह स्थल से पहले सौ मीटर दूर तभी नवनीत राय नाम का एक शख्स कुछ लड़कों को लेकर बरात के सामने आया और गुस्से में मुनीस उसके परिवार से गाली गलौज करने लगा नवनीत ने बरात में शामिल मुनीस के परिवार को बताया कि वो निशा शर्मा का पति है और लंबे समय से वे एक दूसरे से प्यार करते हैं इस बात को लेकर जब निशा के पिता से मुनीस के परिवार ने ये बात कही तो निशा के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दहेज का खेल रच दिया निशा के पिता ने पहले दूल्हे की मां विद्या पर हमला किया लेकिन किसी मीडिया संस्थान ने ये सच जानने की कोशिश नहीं कि निशा को अपनी पिछली ज़िंदगी की परत उघड़ती दिखाई देने लगी उसने भी पिता का साथ दिया अपनी लव मैरिज को छिपाने के लिए मुनीष के परिवार को ईद का बकरा बना दिया पता चला निशा ने मंदिर में नवनीत से पहले ही शादी कर ली थी लेकिन जब उसे पता चला कि नवनीत राय बेरोजगार है और निशा के पिता के पैसे से जीवन गुजारना चाहता है तो निशा इस शादी से मुकर गई इससे खिन नवनीत ने निशा की शादी में खलल डाला जिसका पूरा लाभ निशा और उसके परिवार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आकर बटोरा मामला अदालत में था गवाह साक्ष्य सुनवाई चलने लगी मुनीष के वकील ने अदालत के सामने जो सच रखा उसे सुनकर सब हैरान थे निशा के पिता को नवनीत राय से निशा की शादी के बारे में सब कुछ पता था लेकिन फिर भी उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन छपवाया निशा ने 14 फरवरी साल 2003 को ही एक मंदिर में गुपचुप तरीके से नवनीत से शादी कर ली थी इसके तीन महीने बाद 11 मई 2003 को जब दूल्हे की बारात कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उन्हें लौटा दिया गया जब वे लौट रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है मुकदमे के दौरान मुनीष की अड़सठ साल की विधवा मां पिछहत्तर साल की चाची को लगभग तीन सौ बीस बार अदालत जाना पड़ा जो उनके घर से पिछहत्तर किलोमीटर दूर थी जबकि निशा का परिवार केवल दस बार शामिल हुआ अदालत ने माना कि नवनीत राय और निशा की शादी के सभी दस्तावेज सच थे अब योजन पक्ष द्वारा जाली साबित नहीं किए जा सके उनतीस फरवरी साल दो हज़ार बारह को गौतम बुद्ध नगर जिले की एक जिला अदालत ने आरोपों के समर्थन में सबूतों की कमी के कारण मुनीष और उसके परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया लेकिन मुनीस और उसके परिवार की कभी किसी मीडिया ने सुध नहीं ली ना यह जानने की कोशिश की कि जिस परिवार को मीडिया ने विलेन बनाया असल में वो हीरो था और जिस निशा को गर्ल आइकन बनाया वो एक विलेन थी पर जो फैसला अदालत ना कर सकी उसे भगवान ने कर दिखाया जनवरी 2013 में मनीषा शर्मा नाम की एक लड़की ने अपने पति ज्ञानेश्वर शर्मा और ननद निशा शर्मा के खिलाफ दहेज की शिकायत दर्ज कराई जिसमें निशा शर्मा और ज्ञानेश्वर शर्मा के परिवार ने मनीषा को पीटा था और दहेज के लिए लाखों रुपए की मांग की गई थी ये किस्से आज यहाँ यूँ बताना जरूरी थे कि कई बार उत्साहित मीडिया बिना सच जाने किसी को भी हीरो बना देती है लेकिन जब सच का खुलासा होता है तो यही मीडिया अपनी गलती मानने के बजाय खबर को नया मोड़ लिखकर फिर से खबर चला देती है लेकिन इस बीच कई बार किसी मासूम का जीवन बर्बाद हो जाता है पिछले पंद्रह दिनों से सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी की खबर इतने ढंग से प्रसारित की कि अब पाकिस्तानी हिंदुओं को इनकी करतूत झेलनी पड़ रही है यही मीडिया सचिन और सीमा हैदर के मामले में पाकिस्तान में हिंदुओं पर बढ़ते हमले के बीच सीमा की गिरफ्तारी पर फिर नया मोड बताकर दूसरे तरीके से खबर दिखाने लगी है लेकिन सवाल ले जाता है आखिर सीमा हैदर को हीरो बनाया तो बनाया किसने